फारग बैठे रहोगे, कोई काम नहीं होगा, तो फिर तो शैतान आएगा आपके पास और उल्टी उल्टी सोचें भी आपके पास आएंगे, क्योंकि कोई काम तो होगा नहीं। अब यही एक काम रह जाएगा कि आप जो है ओवरथिंक करते रहोगे। एक मोमेंट जो है वो ओवरथिंक नहीं करता, फिर वो डिवाइन ऑफ डिग्री, फिर उसका अल्लाह पे क्या भरोसा है, फिर उसका अल्लाह पे क्या ईमान है, उसको क्यों फेयर है, उसको क्यों एंजाइटी है, वो क्यों सोच रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होना है क्या नहीं होगा। उसका काम है, उसको यकीन है ना कि अल्लाह ऊपर है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अपनी मेहनत करो और फिर अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह पे छोड़ दो, तो फिर घबराने की तो फिर कोई जो है वो जरूरत बनती नहीं है। वही जो टाइम जाया करना है ओवरथिंकिंग में, वो कोई और काम कर लो, नेक्स्ट टास्क की तरफ जाओ, अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, फजूल बैठ के ओवरथिंकिंग करते